गाइस क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो गाइस इधर गाँव आया हुआ था तो मामू ने ये बकरा दिया शापा रात में कि ये बकरा जाओ बाग में, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो गाइस ये सारे अखबारे लगे हुए हैं, ये देखें, ये सरप्राइज, ये देखें। अभी मतलब सारे कह रहे होंगे कच्चे हैं पर ये पक्के होंगे, अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखें गाइस अखबारे पके हुए हैं। गाइस मसला ये है, रेड लाल लाल, ये देख सकते हैं आप, ये देखें रेड लाल हुआ है अंदर से जी, ये रेड लाल अखबार है। मसला ये रख के गाइस ये सारे इधर ऊपर आ चुको। मामू कह रहे हैं मैं कहीं काम जा रहा हूँ, तुम तोड़ो फिर वापस आऊँगा, तो तब तक तुम गाड़ी रहना और तोड़ते रहना, मतलब तोड़ बस गाइस अभी तोड़ना शुरू करते हैं। किसी जगह पे शापर को मैं रखता हूँ तो लटका देता हूँ किसी जगह पे, इसी जगह पे मेरे मुंह में देख के पानी आ रहा है, दिल कर रहा है अभी खाऊं। यार बड़ा अफसोस की बात ये है, ना हमजाया साथ, ना वजी है, ना कोई और दोस्त है, वो होते तो और मज़ा आता, अकेला हूँ यार मज़ा नहीं आ रहा। पर यह है कि अभी ये लेके जाऊँगा, उन्हें खिलाऊँगा तो खिलाऊंगा, शायद लालच आ जाए नहीं तो आ जाए साथ ये तोड़ने। मामू कह रहे हैं कोई दोस्त वगैरह हैं तो ले जाओ, अभी बहुत बाग दिखाऊंगा मैं आपको। अभी ये अभी एक दरख्त पे तोड़ो तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो एक और पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन साल बाद होता है ये, मैं साथ साथ तोड़ता हूँ गाइस, पता है वापस घर भी जाना है। तो गाइस मैं साथ साथ तोड़ता हूँ, वापस मैंने घर भी जाना है, तो ऐसा ना हो कि बातें करते करते ना इधर ही रह जाओ, थोड़ा सा और ऊपर होता हूँ। उस लाग में मेरा एक दोस्त आया था, माशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा वो बड़े। और गाइस बड़े मज़े की बात तो मुझे इमरजेंसी में इधर गाँव आना पड़ गया, आप देखिए मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, गाँव आना पड़ गया। आज उसकी शादी थी और उसने मुझे बुलाया हुआ था, वो जो मैं आपको लाग भी बता दूँगा। तो उस मैं वो आया था, मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो वो व्लॉग भी आप लाजमी देखना और बताना कि वो वाला व्लॉग और ये व्लॉग कैसा लगा आपको। तो चलें तोड़ता हूँ ऐसा ऐसा, फिर आपको साथ साथ बताऊँगा क्या होता है। गाइस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, ये सामने वाली टहनी पे कितने ज़्यादा लगे हैं, मैं आपको ये देखिए, पर इसका रास्ता बहुत मुश्किल है ये देखिए, पर कोई नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वहाँ से। अभी इतने से तोड़े हैं और पसीना निकल आया गाइस, ये देखिए आगे पता नहीं क्या होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये ऊपर एक अदरक है और ये देखिए नीचे गिरा, तो अल्लाह हाफिज़। तारे भी हैं और लकड़ियाँ भी हैं, बस दुआ करना सही सलामत तोड़ लूँ तो आपको बताऊँगा जायका कैसा। मीठे हैं, थोड़े से खट्टे भी हैं, पर चस वाले हैं, मज़ा आता है खाते हुए। यकीन करें गाइस मुझे वैसे ही कहते हैं, तेरा वज़न ज़्यादा है, पाँव देखें हवा में मेरे, मैं इस टहनी के साथ लड़का हूँ और इसके साथ इतने ज़्यादा लगे हुए हैं ना ये तोड़ने के चक्करों में। अहम यार सारे मुझे कहते रहते हो मोटा हो गया मोटा हो गया, इधर मोटा हो, ये देखो आखिरकार गाइस मैं उसी टहनी पे आ गया जिसका बता रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा ये पीछे देखे, ये देखे वही टहनी पहले मैं उस जगह पर खड़ा हुआ था। तो आप कोशिश करूँगा थोड़ा सा आगे चला जो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बनी है, ये लकड़ी वहाँ से निकलने लगी है, गिरते गिरते बचूँ, पर जो चीज़ चाहिए थी वो आ गई है हाथ में, बस अभी आपके सामने मैं तोड़ता हूँ इसे, बस ये अब दौड़ना चली जाए वापस, ये देखें इस चीज़ के लिए मेहनत हो रही है, इस चीज़ के लिए बस, बाकी सब अच्छा है, बस दुआ करना कि और हो जाए। कोशिश है जाके बात करूँगा दोस्तों से, बाकियों से, हमजा से, वजी से, कि आए चलें इधर से ये तोड़ के लाते हैं, और फिर नेक्स्ट व्लॉग भी बनाऊंगा। अभी ये वाला एंजॉय करें और बताएं कैसा लगा है। तो आपको शायद मज़ा आ रहा हो पर मुझे नहीं आ रहा, ये तो खाते हुए मज़ा आएगा, अभी तो चलो मेहनत कर रहे हैं, यही बात है मेहनत का फल मीठा होता है। तो लगे हुए हैं व्लॉग के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी, और ये फ्रूट तोड़ने के लिए भी, बस दुआ करना यार कि अल्लाह कामयाबी करे सारों को। अभी गाइस ये इतने से हुए हैं तो अभी मेरा दिल है, ये अभी काफ़ी सारे आगे लगे हुए भी हैं, वो सामने देखें, अभी मेरा दिल ये मैं एक और दरख्त है, दो तीन और दरख्त हैं उन पे भी ट्राई करूं, शायद मुझे अच्छी मिल जाए। अभी थोड़ा फ़र्क है इनमें, हल्के हल्के कच्चे हैं, तो
ये है कि मतलब खाने के काबुल हैं, ये नहीं है कि मैं कच्चे ही तोड़ रहा हूँ, कोई पागल तो नहीं हूँ कच्चे ही तोड़ के खाऊंगा, तो बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अब ये है कि साथ में अंगूर खट्टे हैं, मतलब दूर हैं थोड़े, इसलिए तोड़ने नहीं हो रहे। जो मेन वजह है वो देखें, और ये देखें नीचे जगह ही नहीं है, ये देखें मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, यहाँ से आगे पाँव रखा हो तो सीधा उधर नीचे गिरूँगा। इसके लिए वो एक होती है सरी टाइप होती है लोहे की, उसको खींच के नीचे करके तोड़ते होते हैं, तो वो मैं नीचे उतर के देखूँगा, वो मिली तो ईजी हो जाएगा। और पर और दरख्तों पर अभी मैं देखता हूँ। तो गाइस मैं ये दूसरे दरख्त पर पहुँच आया हूँ, हाँ, एक ही बार में दो दो चार और पाँच, वो देखें शापर जिंदाबाद। नहीं वो बोले शापर नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो बोले शापर नहीं। तो अभी और भी बाकी हैं स्टैंड पे यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें गाइस फल कितना ज़्यादा है यार। इतनी बारिशें होती हैं ना, सही बात तो हूँ गाइस, बहुत बारिशें होती हैं फिर भी ना। तो गाइस इधर इतनी बारिशें होती हैं ना, उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा फल आ गया, बस ये अल्लाह की रहमत है। अब पता है आपको पिछले दिनों में काफ़ी बारिशें हुई थी, फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी, पर अल्लाह जिसे चाहे उसे दे, जिसे चाहे उसे ले ले। जो मेहनत करती है ना उनकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मैं मेहनत नहीं कर रहा, ये क्यों नीचे गिरी है, चले अल्लाह ख्याल करेगा, शायद इसी में कुछ बेहतरी होगी। गाइस इधर को दरख्त है, इसके तरफ मैं आ रहा हूँ, इस पर देखते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह यार ज़बरदस्त, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये खुद आप देख सकते हैं, ये देखें। चलें तो गाइस ये देख सकते हैं माशाल्लाह इस बार कितना फल लगे यार। दरअसल पिछली बार भी फल ठीक था, पर मसला ये था हम लेट हो गए थे, मैं इतना गाँव आता जाता नहीं हूँ आपको पता है, तो ये इन इस अरसे में मेरे काफ़ी चक्कर लग रहे हैं गाँव, क्योंकि थोड़ी मजबूरी है, काम पड़ जाते हैं तो फिर बंदा आ जाता है। वैसे मैं इतना गाँव आता जाता नहीं हूँ, और जब भी आता हूँ यार सारे इतना गिला करते हैं, कहते हैं एटीट्यूड आ गया तुझ में, इधर आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, बोल ही गया इस तरह उस तरह। एक और बात गाइस, जो पक्का होता है ना, ये देखें ऊपर से वो हल्का हल्का रेड होगा, ठीक है। मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर ये है कि थोड़ा अंदाज़ा है, इधर रहूँगा मैं काफ़ी अर्सा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ याद है गुलाब में मैंने ये देखें, ये देखें, ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें खाया हुआ है एक तरफ से, ये खाया हुआ है, इसको इधर ही रहने देते हैं ताकि ना परिंदे आके इसको पूरा खा लें। हैर है, ज़ाहिर सी बात है, आप वो भी अल्लाह की बनाई मखलूक हैं, तो यहीं से रिज़क हासिल करेंगी ना, अल्लाह देने वाला है ना रिज़क हर चीज़ को। इस दरख्त के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह नीचे इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि हो जाएगा गुजारा, शापर फुल हो जाएगा गुजारा। अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है, यकीन करो ना, ये थोड़े से पकेंगे तो यकीन करें, हम लोग नहीं बेचते यार, पर आपको पता है इनका रेट तकरीबन 250-300 तक पहुंच जाता है, यह इस बार शायद उससे भी महंगा, क्योंकि काफ़ी रोला बताया गया है पाकिस्तान में। आप लोग कह रहे होंगे कच्चे तोड़ा, पर कच्चे नहीं तोड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे पूरी वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने शापर पड़ा, सॉरी मेरा मसला हो गया बरा जो दिल कह रहे ऊपर चढ़ जाऊँगा, इस मेरे से नहीं रह जाता, और नज़र भी आ गए अच्छे वाले, ये सामने पास जाके दिखाऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा गाइस। खैर है कौन सा बहुत ऊंचा है, और एक और सरप्राइज़ आपको देना, ये देखें ये मैंने शापर भरा है सारा फट गया, मामों से दूसरा शापर लूँगा तो फिर कुछ होगा।